सम्मेलनों में जाते रहते थे, राजनीति में थे, प्रजामंडल में, फिर बाद में कांग्रेस में। उनकी एक ही ललक थी, मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा, अच्छी से अच्छी जगह पढ़ाऊंगा, जहां भी देश और दुनिया में हो सकती है। मैं ईमानदार हूं, जितने पैसे खर्च होंगे उतने लगाऊंगा। और उन्होंने सपना लिया कि जिले में सबसे बड़ा एसपी कलेक्टर होता है, सबसे बड़ा एसपी होता है, तो मेरे बच्चों को एसपी और कलेक्टर बनाऊंगा। ये उनका सपना था आजादी के साथ। हमको सब भाइयों को जयपुर बढ़ाया, दिल्ली बढ़ाया, मेरे को इलाहाबाद बढ़ाया, और एक ही कहते थे इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि मुझे आप वो कलेक्टर एसपी देखना चाहते। हम लोगों ने पिताजी की जो सपना था उसको साकार करने का प्रयास किया। गांव के रहने वाले मेरे पिताजी ने वो आईएएस बने। तीसरा भाई वो भी दिल्ली पढ़ता था, जो आपके एमएलए हैं देवलियो नियारा से हरीश जी, वो आईपीएस बने, एसपी बने। फिर एक चौथे भाई थे, वो भी दिल्ली पढ़ाया उसको, वो फिर आईएएस कलेक्टर बने, और आपके पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो रिटायर है ओम प्रकाश। पांचवे भाई, चार भाइयों जब बन गए पिताजी बहुत खुश थे। पांचवा भाई भी दिल्ली भेजा, उस बीच में उनकी मृत्यु हो गई, और बाद में पांचवा भाई आईएएस आईपीएस तो नहीं बन पाया, लेकिन कस्टम विभाग का बड़ा अधिकारी आज भी है और वो नौकरी कर रहा है, बाकी सब भाई रिटायर। मैं आपको मेरा खुद का ही उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि अगर एक माँ और बाप या बहुत सारी हमारी बहनें बैठी है, बेटियां बैठी है, और भाई बैठे, आप सपना लीजिएगा, बच्चे और बच्चे को पढ़ाइएगा, डॉक्टर बनाइएगा, इंजीनियर बनाइएगा, हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखिए, आईएएस बनाइए, फौज में भेजिएगा, स्काई दिल्ली में आसमान तक उड़ा जा सकता है, यानी हमारे और बच्चे और बच्ची क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ आपका हौसला अफजाई करने के लिए, पेरेंट्स का अभिभावक जो यहाँ बैठे, ये इन्वेस्टमेंट है आपका।